ऑक्शन में हुआ धमाल। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की कप्तानी करेंगे एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी, तो वहीं पर गुजरात टाइटेंस की टीम के कप्तान होंगे एक बार फिर हार्दिक पांड्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। ऑक्शन में सभी टीमों ने अपने कप्तान घोषित कर दिए, जहाँ पर टीमों ने कई बड़े बदलाव भी अपनी टीम में किए हैं। खास करके यहाँ पर 5 टीमों ने अपने कप्तान भी बदल दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी टीम की कप्तानी कौन सा प्लेयर करेगा, कौन कौन सी टीमों में यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो IPL से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर इस IPL के सीजन में आपकी फेवरेट टीम शानदार परफॉर्मेंस करे और यहाँ पर IPL 2023 के विनर का खिताब जीते, तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। तो उम्मीद है दोस्तों, आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, IPL 2023 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपने कप्तान घोषित कर दिए हैं। यहाँ पर इन 3-4 टीमों ने अपने कप्तान भी बदले हैं, जहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम की कप्तानी IPL 2022 में KN विलियमसन के हाथों में थी, लेकिन इस बार यहां पर बेन स्टोक्स के हाथों में रहने वाली है। यानी कि यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने भी अपना कप्तान बदल दिया है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें यहां पर सभी टीमों की कप्तानी, आखिरकार कौन सी टीम का कप्तान कौन सा प्लेयर रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की हम बात करें, तो अब तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का परफॉर्मेंस IPL में काफ़ी शानदार देखने को मिला था, और अब तक सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली यानी कि नंबर 2 पर यह टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। नंबर 1 पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी इस बार महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में एक बार फिर रहने वाली है। तो वहीं पर गुजरात टाइटेंस की टीम की हम बात करें, तो गुजरात टाइटेंस की टीम की कप्तानी भी एक बार फिर हार्दिक पांडे ही करते हुए दिखेंगे। पिछले बार भी हार्दिक पांडे की कप्तानी में टीम इंडिया ने IPL 2022 के खिताब जीता था, तो यहां पर एक बार फिर हार्दिक पांडे ही गुजरात टाइटेंस की टीम की कप्तानी करेंगे। तो वहीं पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम की हम बात करें, तो लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के कप्तान KL राहुल के हाथों में एक बार फिर कप्तानी सौंपने वाली है। लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम की कप्तानी एक बार फिर KL राहुल करेंगे। तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी। रोहित शर्मा एक बेहतरीन कप्तान है, और मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक रोहित शर्मा की कप्तानी में शानदार परफॉर्मेंस भी किया है, तो यहां पर भी रोहित शर्मा के हाथों में एक बार फिर मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2023 में उतरेगी। तो वहीं पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने इस बार अपना कप्तान बदल दिया है, जहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम की कप्तानी बेन स्टोक्स के हाथों में रहने वाली है। तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की हम बात करें, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान के रूप में इस बार संजू सैमसंग को टीम ने रिटर्न किया है, जहां पर संजू सैमसंग एक बार फिर हमें राजस्थान रॉयल्स की टीम की कप्तानी IPL 2023 में करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की हम बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के कप्तान के रूप में इस बार सरेश अय्यर को टीम ने रिटर्न किया है। तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करें, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर रहने वाले हैं। तो वहीं पर पंजाब किंग्स की टीम की हम बात करें, तो पंजाब किंग्स की टीम ने इस बार अपने कप्तान को बदल दिया है। पिछली बार पंजाब किंग्स की टीम की कप्तानी मयंक अग्रवाल के हाथों में थी, यानी कि यहां पर 2022 में मयंक अग्रवाल हमें IPL में पंजाब किंग्स की टीम की कप्तानी करते हुए दिखे थे, लेकिन इस बार शिखर धवन के हाथों में पंजाब किंग्स की टीम की कप्तानी रहेगी। तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की हम बात करें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसिस रहने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर अब तक 2 टीमों ने अपने कप्तान बदले हैं, जहाँ पर पिछली बार पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल थे, तो वहीं पर सनराइज हैदराबाद की टीम के कप्तान KN विलियमसन थे, लेकिन इस बार सनराइज हैदराबाद की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स रहेंगे, तो पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान शिखर धवन रहेंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है IPL 2023 में कौन सी टीम शानदार परफॉर्मेंस करेगी, और कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट प्लेयर है? आप हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।